जिनका जीवन आध्यात्मिक परिमुक्ताओं का है संगम, श्रेयस की अशांत साधिका महामणि जी है निरुपम, महाशमणि जी है निरुपम। महाशमणि शिल्पी तुलसी ने जिस माटी को महकाया, महाशिजन शिल्पी तुलसी ने जिस माटी को महकाया, चढ़ा कसौटी पर अंदर हित जिस प्रतिभा को चमकाया, हुए पूर्ण आश्वस्त। स्वल्प वन में भी कनक प्रभा सक्षम, श्रेयस की अशांत साधिका महाशमणि जी है निरुपम, पारदर्शिता परम पूज्य की प्रमुखा पद पर चयन किया, प्रगतिशील साध्वी समुदय को सुप्रबुद्ध नेतृत्व दिया, अष्ट सिद्धिया की प्रतीक शुभ स्थान आपका है अष्टम, श्रेयस की अशांत साधिका महाशमणि जी है निरुपम, महाशमणि जी है निरुपम। चारित्रिक छवि बेमिसाल है असरदार मीठी आवाज, प्रखर प्रवक्ता कवयित्री आकर्षक कहने का अंदाज, आकर्षक है ये अंदाज अनुशासन में, और प्रबंधन में है अद्भुत धृतियोगशम, श्रेयस की अशांत साधिका महाशमणि जी है निरुपम, दूरदर्शिता निर्णय क्षमता कार्य कुशलता जनप्रियता, कार्य कुशलता जनप्रियता,
जागरूक स्वाध्यायशीलता विस्मयकारी सक्रियता विस्मयकारी सक्रियता ज्योति चरण सह ज्योति चरण सह परिव्रजन रचोन जन स्वस्तिक उत्तम श्रेय शांत साधिका महाशमणी जी है निरुपम महाशमणी जी है निरुपम स्वर्ण महोत्सव मनोनयन का अर्पित आस्था का चंदन स्वर्ण महोत्सव मनोनयन का अर्पित आस्था का चंदन युग युग जियो रहो निराम भरो संग में नव स्पंदन भरो संग में नव स्पंदन स्वर्णिम युग श्री महाश्रवण का सर्जो नए नए विक्रम श्रेयस गीय शांत साधिका महाशमणी जी है निरुपम महाशमणी जी है निरुपम जिनका जीवन आध्यात्मिक मणि मुक्ताओं का है संगम श्रेयस की शांत साधिका महाशमणी जी है निरुपम 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 परम श्रद्धा स्वत आचार्यवर के चरणों में वंदना आदराश्वत साधु साधियों भाइयों बहनों एक अनगढ़ पत्थर सड़क के किनारे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। किसी समय कोई
कलाकार आया और जिस दुकान के आगे वह रखा हुआ था उस दुकानदार से पूछा कि इस पत्थर को बेच सकते हो क्या, क्या कीमत है इसकी? तो दुकानदार ने कहा कीमत क्या है, यह तो यूं ही पड़ा है बिना मतलब का रोड़ा सा है, चाहो तो ले जाओ। कलाकार उस पत्थर को लेकर गया, छेनी और हथौड़ा हाथ में लिया, उसको काटा तरासा और एक मूर्ति का आकार दिया। मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई। संयोग से वही दुकानदार वहां पहुंचा और उसने कहा कि यह इतनी बढ़िया मूर्ति कहां से आई? तो कलाकार भी वहीं खड़ा था, उसने कहा यह वही पत्थर है जो आपकी दुकान के आगे पड़ा था और इसको मैंने तराशा है, मूर्ति का आकार दिया है। अपने बारे में मैं सोचूं तो मैं भी एक अंधगढ़ पाषाण खंड की तरह इस धर्म संघ में अपनी साधना कर रही थी। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने मुझे तरासना शुरू किया। बहुत मुश्किल था क्योंकि पत्थर भी कड़ा था, लेकिन गुरुदेव का संकल्प इतना दृढ़ था, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि इसको तराश कर ही रहना है। वे तराशते गए, कितना श्रम लगा, कितना समय लगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने जैसा भी पत्थर था तराश तराश कर एक प्रतिमा का रूप दे दिया। और उसके बाद भी समय समय पर एक तरह से उसको निखारते रहे, संवारते रहे। तो मैं ऐसा मानती हूं कि मैं जो कुछ भी हूं परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के कर्तृत्व की निष्पत्ति हूं। गुरुदेव के बारे में क्या कहूं, कितना कहूं, उन्होंने कितना श्रम किया। वे जानते थे कि इसको तराशना कठिन है, लेकिन गुरुदेव ने फरमाया कि कुछ भी हो, अगर मुझे शक्तिपात भी करना पड़े तो मैं शक्तिपात करूंगा और इसको तैयार करूंगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रारंभ से ही मेरे लेखन को तराशने का काम किया। इसी दक्षिण यात्रा में गुरुदेव श्री तुलसी ने मुझे अणुव्रत के बारे में गुरुदेव के प्रश्नोत्तर लिखने का दायित्व तो सौंपा। मैं प्रश्न करती, गुरुदेव उसके उत्तर देते, फिर मैं उसको लिपिबद्ध कर गुरुदेव को दिखाती तो गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सौंप देते कि देखो कैसा लिखा है। तो जहां कहीं कमी होती आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मार्गदर्शन मिलता। और तब से यह क्रम शुरू हुआ, वर्षों तक चलता रहा। तो उनके मार्गदर्शन में मुझे आगे बढ़ने का बहुत अधिक मौका मिला। वैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मेरे संसार पक्षीय मामा थे, लेकिन मामा के संबंध से संभवतः मैं उनके पास कभी नहीं गई और इसका कारण था मेरी संकोचशीलता। और भी अनेक साधना थी जो उनके पास जाती थी, अध्ययन करती थी, लेकिन मैंने वह लाभ नहीं उठाया। लेकिन आचार्य श्री की कृपा हमेशा रही जिसके कारण एक काम कर सकी। और आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा का तो कहना ही क्या।
मैं तो गदगद हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत संकोच होता है। आचार्य श्री इतने ज्यादा झुक जाते हैं तो मैं सोचती हूँ मैं ज्यादा झुक नहीं सकती, मेरी व्यवस्था है या दुर्बलता है। और आचार्य श्री का जो कृपा भाव है, जो करुणा है, मार्गदर्शन है, मैं मुझे सदा बढ़ाता रहा है। हमारे धर्म संघ में, धर्म संघ के जो मुनिराज है, संत प्रवर है, उनका भी मुझे बराबर वात्सल्य, बड़े संतों का वात्सल्य और छोटों का स्नेह मिलता रहा है। शासन गौरव मुनिश्री बुद्धमल जी से लेकर प्राय सभी संतों का मुझे समय समय पर मार्गदर्शन भी मिला है। और साधियों की तो बात ही क्या कहूं, गुरुदेव जिस समय मुझे ये दायित्व मिला तो संभवतः लगभग 400 साधियां मुझसे बड़ी थी। बड़ा बड़ा है। अब उन सबको शुरू में तो लगा, साधु श्री दीपांजी मास्टर जी, साधु श्री सुंदर जी मास्टर जी, उन लोगों ने सोचा कि कनक प्रभा जी क्या कर लेंगे, ये बोलते ही नहीं है पूरे। और कुछ उस दिनों में मेरी मनस्थिति भी ऐसी थी, उस कारण से उन सबको कुछ संदेह हो रहा था। लेकिन बाद में उनका भी इतना वात्सल्य मिला, इतना आत्मीय भाव मिला, और सभी साधियां, छोटी बड़ी सभी साधियां, आचार्यों का जो निर्देश मुझे मिलता है मैं उन्हें बताती हूँ, वे अहोभाव से स्वीकार करती है, तो उनके सहयोग से ही काम हो पाता है। अगर साधु साधियों का बराबर का सहयोग नहीं मिले तो कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो और श्रावक समाज की भी मुझे इतनी आत्मीयता मिली है कि शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। तो मैं मानती हूँ यह सारा संघ का उपकार है, और संघ के उपकार से कभी उरण नहीं हुआ जा सकता। एक कवि ने राजहंस को संबोधित कर कहा, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यंबूनि यत्र जलदानि निषेवितानि, रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकार। ये राजहंस, जिस सरोवर में तुम रहे, कमल नाल का भक्षण किया, कमलों का सेवन किया, पानी पिया, यानी तुम्हारा जीवन ही जिस सरोवर पर आधारित है, तो हम तुम्हें पूछना चाहते हैं तुम ऐसा क्या काम करोगे जिससे इस सरोवर से उऋण हो सकोगे। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे संघ के, चतुर्विध धर्म संघ के उपकार से उऋण हो सकूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है। मैं तो परम पूज्य आचार्य वर से यह आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद फरमाए कि मेरी चारित्रिक उज्ज्वलता उत्तर वर्धमान रहे, और मैं अपने लिए नहीं पूरे धर्म संघ के लिए यह वरदान चाहती हूँ कि हमारे साधु साधियों में भी संयम के पर्याय उज्ज्वल से उज्ज्वल होते रहे, श्रावक समाज में भी धर्म संघ के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव पुष्ट हो, और वे भी अपनी साधना के प्रति सजग रहे। परम पूज्य आचार्य का यह आशीर्वाद ही मुझे इस क्षेत्र में सफल कर सकेगा। और साधियां, मेरे यहाँ रहने वाली सब साधियां तो सहयोगी है ही, मैं दक्षिण यात्रा कर सकी ये भी गुरुदेव का प्रताप है। अगर गुरुदेव अनुग्रह नहीं करते तो यह यात्रा हो ही नहीं पाती, और गुरुदेव के द्वारा नियुक्त साधियां साधन का संचालन कर रही है, वो भी बड़ा काम कर रही है। तो सब साधियों का और साधी वरिया जी, मुख्य नियोजिका जी, इनका बराबर मुझे सहयोग मिलता है। और भी सब साधियों को किसी भी काम के लिए कह देती हूँ, कोई मना नहीं करते। और बहुत बार तो ऐसा होता है, कभी कोई सिलाई रंगाई का प्रसंग आता है, साधियां लाकर पट पर रख देती है,
और मैं दूसरे काम में व्यस्त होती हूँ तो सोचती हूँ काम से निवृत्त होकर के शादियों को दूंगी, तो शादियां अपने आप ही उनको ले जाती है। तो कितना भी काम हो मुझे करने में इतनी सुविधा है, कभी दिक्कत नहीं होती कि भी सिलाई रंगाई शादियों से कैसे कराऊंगी। और दक्षिण यात्रा में यानी चेन्नई में और बेंगलोर में आचार्य वर्य ने इतनी दीक्षाएं प्रदान की, तो रजोहरणियों की प्रमादनियों की जरूरत थी। तो यहाँ रहने वाली शादियों ने, छोटी छोटी शादियों ने भी अहोभाव के साथ रजोहरण प्रमादनी का निर्माण करना सीखा, और बहिर्विहारी शादियों ने तो रजोहरण बनाए ही बनाए हैं। तो इस प्रकार धर्म संघ की सेवा में सब संलग्न है, यह सब गुरुदेव का प्रताप है। और हम चाहते हैं कि यह संघ के प्रति सेवा की भावना, कार्य कुशलता पूरे धर्म संघ में बढ़ती रही, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करे। वर्धमान की बेला में लो, वर्धापन की बेला में लो, भक्ति बड़ा उपहार आया चयन दिवस सुखकार, आया चयन दिवस सुखकार, गुरु तुलसी कृपा नभजो है व्यापकता, गंगा जैसी निर्मल धारा, मोहता की उज्जलता, सतरंगा व्यक्ति तुम्हारा, सतरंगा व्यक्ति तुम्हारा, महिमा अपरंपार, आया चयन दिवस सुखकार, आया चयन दिवस सुखकार, वर्धापन की बेला मेरो, वर्धापन की बेला मेरो, भक्ति बड़ा उपहार, महाश्रमण के संग पावन सभी मनाए करवन, धाम करी मैं करुणा बरसे, धाम करी मैं करुणा बरसे, संग हुआ गुरजार, आया चयन दिवस सुखकार, आया उत्सव मन भाया, वर्धमान उत्सव मन भाया, मन में हास अपार, चयन दिवस सुखकार, आया चयन दिवस सुखकार।
हमारे धर्म संघ में ऐसा लगता है कि हमारे परम पूज्य आचार्यों ने व्यवस्थाओं को काफी सुंदर बनाने का प्रयास किया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे धर्म संघ में कई व्यवस्थाएं इतनी सुंदर बनी हुई है कि बहुत अच्छी निष्पत्ति वाली वे प्रतीत होती हैं। अब जैसे यह हमारे हाजिरी की व्यवस्था है, चतुर्दशी को अभी क्रम पहले और ज्यादा था, अब चतुर्दशी का क्रम स्थापित है, तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कम से कम महीने में दो बार एक मर्यादा की स्मारणा प्रेरणा कुछ हो जाए तो थोड़ी वो ताजगी बनी रह सकती है और प्रमाद से कुछ विरत रहने का क्रम भी बन सकता है। पहले गत दिवस वार्ता चलती थी, बाद में इन वर्षों में मान लो बंद, फिर भी शुरू किया गया तो एक अच्छा उपक्रम अपने ढंग का किया गया था। अब लेख पत्र बोलने की विधि है, प्रतिदिन लेख पत्र बोलना बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हमारे कार्यों की गुरुकुलवास में समुच्चय के कार्यों की स्थान निर्धारण की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आजकल तो थोड़ा मानो ऑटोमेटिक सा मानो काम चलता है कोई, यानी इतनी धीरे धीरे व्यवस्थाओं में निखार हुआ है। और ये पूछा करना बहुत सुंदर व्यवस्था डाली गई है कि चतुर्मास के बाद सिंगाड़ी आए, आचार्य उनको समय दें, बातचीत करें, पृच्छा करें, वार्षिक रिपोर्ट लेना बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्थाएं परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने पहले किया, फिर हमारे उत्तरवर्ती आचार्यों ने, उनमें श्रीमद् जयाचार्य ने जो धर्म संघ में एक परिष्कार निखार का काम किया, बड़ा वह एक संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फिर परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आदि ने जो व्यवस्थाएं की हैं और समय समय पर कैसे धर्म संघ को और गति देना और व्यवस्था लागू करना, ये कई कई बड़े अच्छे कदम अच्छे कार्य हमारे परम पूज्य आचार्यों ने किए हैं। इसी क्रम में यह साध्वी प्रमुखा का या महासती जो भी नाम हो की व्यवस्था भी जो की गई है, बहुत ही उपयोगी व्यवस्था की गई है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा साध्वी समुदाय, साध्वी प्रमुखा एक ही होना बहुत बड़ी बात है। हमारे तो सामान्य सी बात है, एक औरों के पता नहीं, हमारे सामान्य बात एक साध्वी प्रमुखा का होना, इतने साध्वी समुदाय में एक ही साध्वी प्रमुखा का होना, शिष्य कोई होना नहीं, एक होना शिष्य कोई होना नहीं, दोनों ऐसे ध्रुव हैं, दोनों का संगम है कि न तो कोई शिष्य साध्वी प्रमुखा, सब में एक ही। तो ये हमारे कोई पूर्वाचार्यों की सूझबूझ नियति का योग जो भी हुआ है तो उसमें यह साध्वी प्रमुखा की व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण उपयोगी और आचार्यों के लिए बहुत अनुकूल व्यवस्था होती है। अब अनुकूलता में भी अगर साध्वी प्रमुखा योग्य होती है तो वो अनुकूलता अच्छी रह सकती है, वरना अनुकूलता में कहीं कहीं कुछ कुछ कोई कहीं कठिनाई भी आए तो आ जाए। तो यह आचार्यों का ही मानो कोई पुण्य का या
शुभ का कोई योग होता है तब उन्हें योग्यतम युवाचार्य मिलते हैं और इधर साध्वी प्रमुखा मिलती है, क्योंकि युवाचार्य तो खैर बहुत ज्यादा ही, वो तो एक संघ के भावी कर्णधार या आचार्य के रूप में संभावित होते हैं, तो उन वो भी योग्य मिल जाएं तो आचार्यों का मानो बड़ा भाग्य या संघ का बड़ा भाग्य। इधर फिर साध्वी प्रमुखा योग्य मिल जाए तो वह भी आचार्यों का दो नंबर का फिर भाग्य मानना चाहिए कि एक योग्य साध्वी प्रमुखा मिलती है कि योग्यता में, एक और जहां खुद की मननशीलता प्रतिभा बौद्धिकता की अपेक्षा होती है, क्योंकि कहीं कहीं संस्कृत में कहा गया केवलम कथनवत कार कह प्रश्य प्रायो मार कह एव जायते, केवल कहा कहा ही कर दिया तो वो एक सीमा तक तो ठीक है, खुद के दिमाग से सोचे अब क्या होना चाहिए, वो क्षमता साध्वी प्रमुखा में, इधर युवाचार्य में तो खैर ज्यादा ही होनी चाहिए, साध्वी प्रमुखा में भी वह क्षमता कि जितना कह दिया उतना ठीक है, नहीं कहा वो भी और क्या हो सकता है, तो वो प्रतिभा हो स्फुरणा हो तो एक तो वो योग्यता साध्वी प्रमुखा में हो तो बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी बात है इतनी बौद्धिकता, खुद का दिमाग, उसके बावजूद समर्पण का भाव। ठीक है हमारा यह चिंतन है, बाकी जैसे बड़ों का इंगित है काम को उस तरह से ढाल देते हैं, तो वह समर्पण का और विनय का भाव भी हो, तो खुद की बौद्धिकता विनय समर्पण का भाव और स्वयं की अपनी साधना अपनी संग निष्ठा भी, साधना निष्ठा भी फिर साथ में संग निष्ठा भी, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो एक साध्वी प्रमुखा को योग्यता के शिखर पर बिठाने वाली बन सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन काल में तीन साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति, महासती जो भी नाम, तीन की थी, मैं भूल न क्यों तो महासती झमकु जी भी गुरुदेव तुलसी के द्वारा विधिवत, हालांकि वे परम पूज्य कालुगुणी के पास थे, काम भी संभव, कालुगुणी के बड़े कृपा पात्र साध्वी झमकु जी, परंतु वो ऑफिशियल रूप में महासती नहीं थी वो, क्योंकि कान कुमारी जी विद्यमान थी तब तक, वो निका मतलब वो क्रम नहीं था कि वो सामान्य थी, तो वो फिर बाद में उनका भी प्रयाण हो गया कान कुमारी जी का, तो कालुगुणी के बाद गुरुदेव तुलसी ने साध्वी झमकु जी को यह उच्च स्थान प्रदान किया था, तो साध्वी महासती झमकु जी की, फिर महासती लाडा जी की, और फिर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, तीन नियुक्तियां गुरुदेव तुलसी ने की थी। तो गुरुदेव तुलसी का लंबा आचार्य काल था और आपने फिर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को, यानी साध्वी कनक प्रभा जी को साध्वी प्रमुखा के रूप में नियुक्त किया, और ठीक है यह तो जैसा आपने कहा गुरुदेव का कितना परिश्रम लगा, तो व्यक्ति निर्माण में कई बार श्रम भी करना होता है, पर वो श्रम बाद में कितना फल देने वाला बन सकता है वो खास, जैसे एक पेड़ है, पेड़ बन जाए तब जिसके लिए श्रम किया, ध्यान दिया, सुरक्षा की, वो पेड़ कितना छायादार फलदार बन सकता है। तो माली का वो श्रम है, एक माली का या कुछ व्यक्तियों का श्रम है, बाद में पेड़ बन गया, फल लगने लग गए, वो फल कितनों के काम आ जाते हैं, वो छाया कितनों के काम आ जाती है, श्रम कुछ का लगा, लाभ फिर कितनों को मिल सकता है। तो आचार्य परिश्रम करके एक भी साध्वी को इस रूप में तैयार कर देते हैं तो उनका वह श्रम फिर कितनों को विश्राम देने वाला, कितनों को राहत देने वाला, कितनों को सहयोग देने वाला, कितनों को समाधि देने वाला बन सकता है।
तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जो साया संरक्षण और उनका परिश्रम, उनका दिशा निर्देशन, उनका सान्निध्य साध्वी प्रमुखा जी को बरसों तक प्राप्त हुआ। और जो गुरुदेव तुलसी के द्वारा निर्मित कृति आज कितनों के काम आ रही है, कितनों को छाया साया योग सहयोग आदि मिल रहा है। तो हम तो एक तरह से गुरुदेव तुलसी के आभारी होना चाहिए भी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया, मानो तैयार किया जो भी, तो आज हमारे लिए कितना एक सेवादायी सिद्ध हो रहा है। तो आज यह 50वां वर्ष इस कार्यकाल का, साध्वी प्रमुखा काल का लग रहा है और बहुत एक उपलब्धि है जीवन में कि इतना लंबा काल किसी को इस रूप में सेवा का मिलता है। तो एक खूब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चित्त समाधि, अच्छी साधना, अच्छा स्वाध्याय, सब अच्छा क्रम चलता रहे, स्वास्थ्य की खूब अच्छी अनुकूलता बनी रहे, स्वास्थ्य सहयोगी बना रहे और खूब मंगलमयता अच्छी बनी रहे। बाबा पछे साढ़े नौ को समय बैठे को रखेड़े, देखो रात को पहली सोचा, रात को किया कहीं क्यों, यहाँ तो बार प्रोग्राम रात का बंद चल रहा है, यहाँ भी यहाँ बार बांकेट यहाँ अपने ठे रात को व्याख्यान प्रोग्राम बंद चल रहे है, इको सोच ले वहां अभी भी छाबू रहे। तो हाँ कमल जी भाई, वैसे कमल भाई हुए, बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा है हैं? दो साल दोनों भाई छोटा है। हाँ अच्छा हाँ हाँ कर लो अठ कर लो इन्हें कर लो पहली लाड हो, पहली लाड हो हाँ अच्छो पक्षर होगी अतो छोटा है, अतो छोटा है, तीन के बाद दो भाई आ गया। अच्छा अच्छा दसों बड़ा राय कमरी भाई आ सों बड़ा थंकल हाँ अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली फन्नतो दम्बो मंगलम अरहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली फन्नतो दम्बो लघुतमा केवल
थोड़ा बता दे थोड़ो। हाँ आज की दिनांक है 9/2/2021। आज 9/2/2021 विक्रम संवत 2022 में जो माघ कृष्णा त्रयोदशी आने वाली है उस दिन मेरा लाडनू में रहने का भाग है। तथा साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का साध्वी प्रमुखा बनने का 50 वर्ष संपन्नता का समारोह है उस दिन जैन विश्व भारती लाडनू में मनाने का भाग है। तथा सन 2022 वो 2022 का त्रिदिवसीय वर्धमान महोत्सव जैन विश्व भारती लाडनू में आयोजित करने का भाग है। हाँ नहीं बड़े मुझ सब में बोला संत आ जा
तो खाली सिलाई 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 ऐसा है यथा संभवतया आज की माघ कृष्णा त्रयोदशी से यानी 9/2/2021 से 2022 की वैशाख शुक्ला चतुर्दशी तक गुरुकुलवास में रहने वाले संत गुरुकुलवासी व बहिर्विहारी साध्वियों की अनुकूलता के अनुसार साध्वियों से सिलाई रंगाई करा सकेंगे। यह साध्वी प्रमुखा जी की ओर से हमारे द्वारा यह उपहार संपूर्ण संत समुदाय को दिया जा रहा है। और साथ में है और अत एक बात और दूसरी बात और गुरुकुलवास में रहने वाली सभी गुरुकुलवासी व बहिर्विहारी साध्वियां जो भी बाहर का कार्य हो जैसे कपड़ा मंगवाना यह सारा कार्य इस अवधि में मुक्त भाव से संत समुदाय से करा सकेंगे। हाँ आगे देखो देखो वो देखो हाँ हाँ अरे तब देखा आज रात्रि में साध्वी प्रमुखा जी के 50वें मनोनयन दिवस का कार्यक्रम चलाया जा सकता है। जितनी देर चलाना अपेक्षित हो चला सकते हो। रात की टीम में आपने हाँ बैठ सके बैठ सके पकड़ हाँ हाँ पकड़ लो
मंगलम स्थूल भद्राच्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम गतिमान भिक्षुः मंगलम आत्मनः मंगलम रायतन्ति चित्तये विनि परिहन्ति चित्तं गौधी पंक्ति केवलि उत्सव मध्यम तवंदे संभव नदी नंदनम से सुमकिन से पौमक पहम सुपासन जिनम चांस पुद्जम से विमल मनंतम से जिनम धम्मम संतिम से वंदामी कुंथम परम से मध्यम वंदे मुनि सुपयम नमि जिनम से वंदामी रिथ नैविं वासम से है बद्धमानम से एवं मये अभितुआ विहुय रय मला विहीन जर मरना सौगी लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम किंतु संतेषु निम्बल यरा आयित्येषु अह्यं त्वया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम हमारा समर्पण कम है, हमारी चौथी पांचवी जो छठी साथी उनका ज्यादा है। बहुत कृपा है गुरु, कृपा का प्रसाद अब लोग पर्यटन के बहुत